वेलकम टू सिविल सेपियंस कनिंग वाइज विथ लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीएन जंक्शन डायोड पे देखेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ पीएन जंक्शन डायोड विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हमारा पीक, सेकेंड ऑप्शन बी है हमारा बैरियर, सी इज थ्रेसोल्ड एंड डी इज पाथ। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बैरियर। जो भी पीएन जंक्शन में जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है एक्सेप्टर और डोनर के बीच में, उसको हम लोग बैरियर ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ पीएन जंक्शन डायोड पोटेंशियल बैरियर ड्यू टू चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन दीज चार्जेस आर कॉल्ड। अगर जो पोटेंशियल बैरियर होता है दोनों साइड ऑफ द जंक्शन में, तो उस चार्जेस को क्या, किसकी वजह से होता है ये चार्जेस, कैसे चार्जेस होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए मेजोरिटी कैरियर्स, बी माइनॉरिटी कैरियर्स, सी बोथ ए एंड बी, और डी है हमारा फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैपेसिटेंस ऑफ अ रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। अब जंक्शन को अगर हमने रिवर्स्ड बायस्ड कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। इट इंक्रीजेज एज रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड, बी ऑप्शन है डिक्रीजेज एज रिवर्स बायस इज डिक्रीज्ड, रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड, सी ऑप्शन इज इंक्रीजेज एज रिवर्स बायस इज डिक्रीज्ड, एंड डी ऑप्शन इज सिग्निफिकेंटली लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जैसे जैसे हम लोग कैपेसिटेंस रिवर्स बायस जंक्शन का, जैसे रिवर्स बायसिंग हम डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट दैट इट इंक्रीजेस एज रिवर्स बायस इज डिक्रीज्ड। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज कि फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन रिवर्स बायस में बी। तो मैंने जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड आपको बताया था, तो बताया था कि जो रिवर्स करंट होता है हमारा किस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट्स मिली एम्पेयर, सेकंड ऑप्शन है 0.2 एम्पेयर और 15 एम्पेयर के बीच में होता है। सी ऑप्शन है हमारा कि इट इज फ्यू एम्पेयर्स, एंड डी ऑप्शन इज फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्यू माइक्रो एंड नैनो एम्पेयर्स। जो हमारा रिवर्स बायस जब हम करते हैं पीएन जंक्शन को, तो करंट जो होता है माइक्रो एम्पेयर यानी कि 10^6, 10^-6 और 10^-9 यानी कि नैनो और माइक्रो एम्पेयर्स में करंट फ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस बाय इंक्रीजिंग द बैटरी वोल्टेज। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बी ऑप्शन इज करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस, सी इज करंट थ्रू पीएन जंक्शन डिक्रीजेस, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तो बैटरी वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है। जब हम बैटरी वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो पीएन जंक्शन का जो करंट है, करंट थ्रू पीएन जंक्शन विल इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैटरी वोल्टेज को जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट जंक्शन, पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस है तो उसकी करंट बढ़ती जाएगी। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस्ड तो क्या होता है। जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है तो फर्स्ट है इट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू कंसंट्रेट टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि जंक्शन की तरफ मूव करते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑप्शन इज कि बैरियर टेंड्स टू ब्रेक, बैरियर ब्रेक हो जाता है। सी ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, और डी इज नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया था कि जब भी पीएन जंक्शन रिवर्स बायस करते हैं तो सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिप्लीशन लेयर हमारा बढ़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन इज अ पीएन जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस then in forward as well as reverse bias, it has high resistance in forward as well as reverse bias, it is conductor in forward direction only, and D option is conducts in reverse direction only। तो इसका correct answer हो जाएगा कि ये सिर्फ forward जब biased होता है तभी conduct करता है, यानी कि ये C option correct है। बाकी किसी भी case में reverse bias करते हैं तो ये conduct नहीं करता है। इसकी resistance forward bias जब रहता है तो कम होती है, लेकिन जब reverse bias होता है तो बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था। और ये हाई रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में ऑफर करता नहीं है, रिवर्स बायस में ऑफर करता है। सो ए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सी इज ओनली करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पी इंजेक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन ऑप्शन ए इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड बी इज जंक्शन इज अर्थ सी इज एन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पी साइड एंड डी इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव साइड टू द पी साइड. तो आपको मैंने बताया था कि पी इंजेक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या करते हैं, पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पी साइड से कनेक्ट करते हैं, पी पी का कनेक्शन होता है, और एन साइड नेगेटिव साइड को एन साइड से कनेक्ट करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन साइड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी एन जंक्शन बिलो 5 वोल्ट. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम बिलो 5 वोल्ट चल रहे हैं तो कैसा ब्रेक डाउन होगा, एवलांचे ब्रेक डाउन होगा, जेनर ब्रेक डाउन होगा, बी ऑप्शन है हमारा, सी इज दोनों हो सकता है, आइदर ए और बी, डी इज नन ऑफ द अबव. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 6 वोल्ट के अबव ब्रेक डाउन होगा तो हमारा कैसा ब्रेक डाउन होगा, एवलांचे ब्रेक डाउन होगा, और जब बिलो होगा तो जेनर ब्रेक डाउन होगा. मैंने जब आपको डिफरेंस बिटवीन एवलांचे एंड जेनर ब्रेक डाउन बताया था तो ये क्वेश्चन बताया था, तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप क्लियरली बता सकते हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दैट इज जेनर ब्रेक डाउन. ओके, नेक्स्ट इज इन अ रिवर्स बायस पी एन जंक्शन द करंट थ्रू जंक्शन इंक्रीजेज एब्रप्टली एट. ये टर्म मैंने यूज़ किया था जब मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे पी एन जंक्शन डायोड के. तो जब भी रिवर्स बायस करते हैं पी एन जंक्शन को तो करंट जब हमारा जो है एब्रप्टली ब्रेक डाउन वोल्टेज पे इंक्रीज करता है. तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही नहीं है, 0.5 वोल्ट. ऑप्शन बी 1.1 वोल्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सी है हमारा 0.7 वोल्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो डी ऑप्शन दैट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज इज करेक्ट. तो दिस इज द कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखे पी इंजेक्शन डायोड पे. होप आप सब लोगों का क्लियर है. आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बेसिकली एलिमिनेशन प्रोसेस से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कौन कौन से आंसर पॉसिबल नहीं है उसको स्ट्राइक डाउन कर दो, और जो आंसर बच रहे हैं उसी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. मान लीजिए आपको दो के बीच में कन्फ्यूजन है, आपने दो को स्ट्राइक डाउन कर लिया तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ईजिली बना सकते हो. सो एलिमिनेशन अप्रोच आपको रखना चाहिए वेन एवर यू आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो होप आप सब लोगों को क्लियर है. अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.